Assalamu alaikum. Solve the equation number 4. So please solve the equation and comment your answer and then check my answer at the end of the video. So comments lazmi de chahe galat ho kyunki insaan isi tarah seekhta hai, isme sharmane wali koi baat nahi hai. Insaan isi tarah hi seekhta hai. So please stop the video and solve the equation. तो चलो इसका आंसर इसको हल करते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू आती है 993. इसका लॉजिक यह है कि जो दो क्लॉक्स है उसमें 9 o'clock बजे और जो 1 क्लॉक है उसमें 3 बजे. तो 3 बजे इसलिए इस 9 + 9 + 3 = 21. अब इक्वेशन नंबर 2 में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की वैल्यू 10 आ जाती है. 10 + 10 + 10 = 30. इसका लॉजिक यह है कि कैलकुलेटर में साफ डिजिट नजर आ रहा है, उसमें 1, 2, 3, 4. तो इस सब को हम ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 = 10. अब इक्वेशन नंबर 3 में हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में बल्ब की जो वैल्यू है 15 बनती है. तो 15 + 15 - 15 कट जाते हैं तो 15 आ जाता है इसका आंसर. इसका लॉजिक यह है कि जो बल्ब देख रहा है इसमें जो इसकी लाइनें हैं लाइट वाली वो 5 है, इसकी इल्यूमिनेशन यानी 5 है, जबकि इस बल्ब की जो चूड़ियां हैं नीचे जो लगी हुई है वो 3 है. तो हम इसको 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाता है. तो इस तरह ये बल्ब की जो वैल्यू है हमारे पास 15 आ जाती है और इक्वेशन इस तरह सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर 4 पे आते हैं. इक्वेशन नंबर 4 में पहले क्लॉक है, उसकी वैल्यू 9 बनती है क्योंकि उसमें 9 बजे हैं. इस तरह अब हम कैलकुलेटर की तरफ आते हैं. कैलकुलेटर में फिर उसकी वैल्यू 9 आती है क्योंकि उसकी जो डिजिट है उस पर गौर करें, उसमें है 1 + 2 + 2 + 4. तो ये ऐड होके 9 बन जाता है, इसलिए कैलकुलेटर की वैल्यू 10 के बजाय 9 आता है. अब जो बल्ब है 3, उसकी वैल्यू आ जाती है 44. यहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूज किया गया है. इसमें हम ऊपर वाला बल्ब देखें तो उसकी इल्यूमिनेशन लाइन है 4 है, जबकि उसकी जो चूड़ियां हैं वो चूड़ी है वो 3 है. 4 × 3 = 12. तो ऊपर वाले बल्ब की तो वैल्यू 12 आ गई. अब नीचे वाले बल्ब में अब हम इसकी चूड़ी देख ले तो फिर 4 है इसकी चूड़ी और जो लाइनें हैं वो भी 4 है. तो 4 × 4 = 16 बनता है. इस तरह हम 16 + 12 + 16 करते हैं तो इसका आंसर आता है 44. तो इस तरह ये जो 3 बल्ब है इसकी वैल्यू हम 44 लगाएंगे. अब हम इक्वेशन को देखते हैं. इक्वेशन में 9 + 9 × 44 आता है. तो 9 × 44 बनता है 396, क्योंकि हम इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसको प्लस करके 405 आंसर आता है. वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें. कोई सजेशन देना हो तो सजेशन दे, अगर समझ नहीं आ रही हो तो हम पूछ सकते हैं. और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि नए वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में मिले.